subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. चटनी की तरफ और मूली की चटनी जो है आप उसको बच्चों को पराठे के साथ भी खिला सकते हैं, सिंपल एज दैट. आराम से खा लेंगे, बच्चों को पराठे बहुत पसंद होते हैं. इस मूली की चटनी को बनाइए जैसे कि मजेदार तरीके से फर्दा से खा रही हैं, और उसके बाद बच्चों को पराठे के साथ खिलाएं. जी, आलू के पराठे के साथ आपके लिए. बच्चे आलू के पराठे बहुत शौक से खाते हैं. हाँ, बिल्कुल. अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, मैंने यहाँ पे मूली जो है वो काट ली है. सही, एक मैंने मूली ले ली, बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए मैंने. अच्छा, उसके बाद आप देखिए, मैंने इसे मूली के पत्ते भी डाले हैं. कि मूली के पत्ते डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं. सही है. उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्च ले ली है. सही, हरी मिर्च ले ली. उसके बाद मैंने इसमें इस तरह धनिया डाल दिया थोड़ा सा, लाइक अराउंड आप समझे 1/4 कप आप धनिया डाल दें इसके अंदर, और 4-5 जवे लहसुन के डाल दीजिए. और ये सब मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ आपके सामने इस वक्त. सही. हाँ, ये देखिए, मूली के पत्ते इसमें लाजमी शामिल करिए, क्योंकि इसकी अपनी ही एक बहुत ज़्यादा ये इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं मूली के पत्तों में. हाँ, ये आपके ब्लोटिंग होती है बच्चों को, या अक्सर बहुत ज़्यादा स्टमक जल्दी फुल हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे हम. सही है. ज़ीरा डालेंगे तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच. मैंने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाल दी है, तो मैं सिर्फ जायके के लिए कुटी हुई मिर्च डालूंगी इसमें, जस्ट 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून. और दस फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं जो है ब्लेंड कर लूँगी. बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें मसाले कुछ भी नहीं दे रहे, ताकि बिल्कुल सादी सिंपल बनेगी, इसी का अपना टेस्ट आएगा. और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पे. ठीक. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.